हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है रेखा साउथ किचन में। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, पालक की पकौड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सर्दी हो या बरसात, कभी भी आप इसे बनाएं। और अगर आपके घर में चाय बनी है तो लगेगा आपको भजिया मिल जाए तो बात ही कुछ और है। क्योंकि देखिए आप, मैंने कितनी अच्छी भजिया बनाकर तैयार की हुई है। तो आज हम आपको टिप्स के साथ पालक के पकौड़े बनाना बताएंगे। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। अब मिक्सिंग बाउल में देखिए मैं पालक डाल रही हूँ। पालक को धोलकर इसे मैंने छलनी में रख दिया था, जिससे इसका पानी निकल गया है और इसको हमने काट लिया है। देखिए हमने इस तरह से काटा है, ज़्यादा बारीक हम नहीं काटेंगे, बस थोड़े बड़े बड़े पत्ते ही इस तरह से काट कर तैयार करेंगे। क्योंकि इस तरह से पालक काटने से भजिया बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें हम ले लेते हैं बेसन। मैं बेसन इसी तरह से डाल रही हूँ बिना भूंजे। आप चाहें तो भूंज कर भी डाल सकते हो। भूंज कर डालने से क्या होता है कि और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है इसलिए मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बेसन भूंज कर लें तो उससे और भी अच्छी भजिया बनकर तैयार होती हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज इस तरह से देखिए लंबे साइज में काट के लिए, इसको भी डाल देते हैं। हरी मिर्च 5 मैंने बारीक काट के ली हुई है, इसको भी डाल देते हैं। अजवाइन 1 चम्मच, इसको हाथ से इस तरह से क्रश कर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच कलर के लिए। अब नमक लेते हैं स्वादानुसार। मैंने यहाँ पे नमक 1 चम्मच लिया हुआ है। अब इसमें डाल देते हैं हींग 1/4 चम्मच, अदरक क्रश की हुई 1 चम्मच, आप चाहें तो लहसुन भी 1 चम्मच डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और धनिया थोड़ी सी डाल देते हैं। अब इन सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। हाथ से हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पालक में थोड़ा पानी होता है इसलिए हम पानी पहले नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा कम खाते हो तो चिली फ्लेक्स ना डालें, और बच्चों के लिए बना रहे हो तो बिल्कुल मत डालें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिए इस तरह से हम यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा बेसन कम लग रहा है, मैं 2 से 3 चम्मच और डाल देती हूँ। मैंने पहले भी कहा था बेसन की क्वांटिटी आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब थोड़ा पानी हम और डाल देते हैं, बस पानी थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि पालक में ही पानी होता है। देखिए हमने पालक का डो रेडी कर लिया है, बस इसी तरह से बना लेते हैं। ये देखिए मैंने ज़्यादा गीला नहीं किया है। हम ज़्यादा गीला कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी भजिया ऑयली बनती हैं। बस इसी तरह से इसका डो रेडी कर लेते हैं, इससे आपकी भजिया बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। चलिए तो आप तेल को गर्म कर लेते हैं। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। ऑयल को गर्म कर लिया है, देखिए इसमें हीट भी अच्छी आने लगी है। पहले हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हमने गैस को मीडियम कर दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं, ये देखिए हमने पालक के जो पकौड़े बनाने हैं इस तरह से डाल देते हैं। बस जितने आपके कढ़ाई में आए उतने ही डाल दीजिए। आप चाहें तो बिना प्याज के ही पालक के पकौड़े बना सकते हो, वो भी बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। बट मैंने इसमें प्याज डाली हुई है इसलिए ये और भी टेस्टी लगेंगे। बस एक एक करके इसी तरह से डालते जाइए। पालक के पकौड़े देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, अब इनको थोड़ी नीचे से सेकने देते हैं, फिर इसके बाद से हम दूसरी तरफ से इनको सेक लेते हैं। पालक के पकौड़े देखिए नीचे से सिक चुके हैं, अब इनको इस तरह से देखिए हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेते हैं। बस इसको उलट पलट करके क्रिस्पी होने तक अच्छे से
फ्राई कर लेते हैं। पालक के पकौड़े देखिए सिक चुके हैं, आप देख सकते हो ये कितने करारे और देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। चलिए इनको हम निकाल लेते हैं, इस तरह से एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं जिससे इनका तेल भी एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए आप लग रहे हैं ना कितने अच्छे। अब इसी तरह से हम दूसरा बैच भी इसका निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने भजिया की प्लेटिंग कर ली है, इसे आप भजिया कहिए या पकौड़ी कहिए, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया करारी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इसे आप खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और टोमेटो सॉस और चिली सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है बनाते समय, जब आप पालक लें पालक को थोड़ा बड़ा बड़ा कर काट कर लें और बैटर थोड़ा गाढ़ा बनाएं और तेल थोड़ा मीडियम लें। बस इस तरह से आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपकी भजिया बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। और अगर आपको थोड़ा जल्दी हो तो आप बिना भूंजे बेसन यूज कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम है आपके पास तो बेसन थोड़ा भूंज कर लें। तो बस इस तरह से आपकी भजिया बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।